Assalamu alaikum, dear students. I am Sumaiya Mohammed from Boys Head Secondary School in Su. Dear students, we are studying third chapter of political science for class 9th, namely electoral politics. And in this chapter, today our topic is voters list. A voter list is a detailed record of every person who is registered and eligible to vote. वोटर लिस्ट एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है हर एक उस पर्सन का जो कि एलिजिबल है राइट टू वोट के लिए, जिसको राइट टू वोट है. इलेक्शन से पहले जो लोग एलिजिबल है वोट देने के लिए, जिनको राइट टू वोट है, उनका एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है इलेक्शन से पहले. इस लिस्ट को ऑफिशियली बोलते हैं इलेक्टोरल रोल एंड कॉमनली हम इसे बोलते हैं वोटर्स लिस्ट. हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पे लोगों के पास एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब एवरी एडल्ट सिटीजन अबव 18 इयर्स इज हैविंग राइट टू वोट. ये राइट टू वोट सबको मिलता है हमारी कंट्री में बिना किसी भेदभाव के, और हर एक के वोट का सेम वैल्यू है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी कास्ट यानी जाति का हो, जेंडर का, सबको राइट टू वोट है. बगैर इसके अगर कोई क्रिमिनल होगा या मेंटली अनसाउंड पर्सन, उसको डिनाई किया जा सकता है फ्रॉम राइट टू वोट, बट दैट टू ओनली इन रेयर सिचुएशंस. ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है जहाँ पे किसी को डिनाई किया जाता है फ्रॉम राइट टू वोट. ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक एलिजिबल कैंडिडेट का नाम रजिस्टर करवाया जाए इन वोटर्स लिस्ट. और जो कोई भी किसी जगह को छोड़कर जाता है, उसका नाम उस जगह की वोटर्स लिस्ट से निकाला जाता है. इसी तरह जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसका नाम भी इस लिस्ट से डिलीट किया जाता है. हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और हर 5 साल के बाद इस लिस्ट में भी चेंजेस लाई जाती है. दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट वोटर लिस्ट रिमेन्स अप टू डेट. इसको अप टू डेट रखा जाता है वोटर लिस्ट को. पिछले कुछ सालों से इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया. जो भी वोटर लिस्ट में है उसका उसको ये कार्ड दिया जाता है थ्रू गवर्नमेंट. और वोटर्स फिर जब इलेक्शन के टाइम पे वोट डालने जाते हैं तो उन्हें इस कार्ड के बिना पर ही वोट डालने दिया जाता है, ताकि कोई किसी और के बदले वोट ना डाल सके, कोई प्रॉक्सी ना हो सके, कोई चीटिंग ना हो सके इसमें. इसके अलावा भी वोट देने के लिए उनके पास वोटर्स के पास राशन कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आइडेंटिटी प्रूफ मानी जाती है वोट डालने के लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा आज वोटर्स लिस्ट क्या होता है, और हमने इन डिटेल इसको पढ़ा, इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, किसको राइट टू वोट है, कैसे वोट डाला जाता है, और कैसे वोटर्स लिस्ट में रजिस्ट्रेशन की जाती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की. एंड डियर स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज टॉपिक, वोटर्स लिस्ट. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.